हम शुद्ध उच्चारण करें। भक्तामर प्रणति मौलि मणि प्रभाणा मुद्योति कंदलिति पापित मोवितानम् सम्यक् प्रणम्य जिन्नि पादे युगै युगादा वालंबनं भविजले पते तांजनाना। अब शुरू करते हैं शब्दार्थ। भक्तामरप प्रणति मौलि मणि प्रभाणा। भक्त, भक्त अमर देवों के प्रणत नम्रीभूत मौलि मुक्तों के मणि मणियों की प्रभाणा कांति को। मुद्योतिकं दलित पापितमो वितानम्। उद्योतिकम प्रकाशित करने वाले, दलित नाश करने वाले, पाप पाप रूपी तमो अंधकार के वितानम विस्तार को। सम्यक प्रणम में जिन पाद युगै युगादा। सम्यक भली भांति प्रणम में नमस्कार करके जिन पाद युगम जिनेन्द्र भगवान के दोनों चरणों को। युगादौ युग के प्रारंभ में। वालंबनम भव जले पततां जनानाम। आलंबनम सहारा देने वाले, भव जले संसार समुद्र में, पततां गिरते हुए जनानाम प्राणियों के। अब चलते हैं अर्थ एवं भावार्थ की ओर। भक्त देवों के नम्रीभूत मुक्तों की मणियों की कांति को प्रकाशित करने वाले, पाप रूपी अंधकार के समूहों का नाश करने वाले, संसार रूपी समुद्र में गिरते हुए प्राणियों के आधारभूत युगातिक देव अर्थात जिनेन्द्र भगवान के चरण कमलों को पूरी श्रद्धा भाव से मन वचकाय से प्रणाम करते हैं। भगवान आदिनाथ के चरण युगल में जब देवगण भक्ति पूर्वक नमस्कार करते हैं तब उनके मुकुट में जड़ित मणियां प्रभु के चरणों की दिव्य कांति से और अधिक दीप्तिमान हो जाती हैं। भगवान के चरणों का स्पर्श ही प्राणियों के पापों का नाश करने वाला है तथा जो उन चरण युगल का आलम्बन लेते हैं वे संसार समुद्र से पार हो जाते हैं।